दिवाली थी तब, उस टाइम पे मैं गया था अपने घर, और आज करीब जुलाई 8 तारीख है, और 8 तारीख को मतलब मैं निकल रहा हूँ घर। तो कल से काफ़ी एक्साइटमेंट थी क्योंकि बहुत दिनों बाद पहाड़ देखने को मिलेगा वापस, क्योंकि अगर नहीं दिखता है तो दिल को सुकून नहीं मिलता। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो आज है सैटरडे 8 जुलाई, और भी बजे हैं दिन के करीब 3:30। तो फिलहाल हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई है, तो यात्रा से बोलते हैं पहले जय श्री राम, क्योंकि हम अभी हम अयोध्या रोड पे लखनऊ में हैं। तो लखनऊ से भी यात्रा है, हमको जाना है यहाँ से रानीखेत। तो अभी आज देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। मोस्टली है कि हम लोग को रानीखेत रात तक पहुँच जाना चाहिए, अभी अगर 3:30 बजे हैं तो करीब डिस्टेंस है वो करीब 500 किलोमीटर आप मान के चलिए। और दो रास्ते हैं, एक सीतापुर और एक हरदोई। तो टोल बचाने के लिए फिर से मैं वही रास्ता हरदोई वाला लूँगा, क्योंकि हरदोई वाला रास्ता ये भी इसलिए भी लूँगा क्योंकि बीच में पड़ता है मलियाबाद। तो मलियाबाद में ख़रीदने हैं हम लोग को आम घर वालों के लिए, ये लखनऊ में मलियाबाद ही आम, दशहरी आम बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए हम वही वाला रास्ता फॉलो करेंगे। साथ में अगर मन किया तो संडीला से लड्डू भी ले लेंगे। तो निहारिका बैठी हुई है ऐसे, देखो खुश हो रही है, ससुराल जाते थे लड़कियाँ कम खुश होती हैं, निहारिका ससुराल जा रही है, मतलब ये इसका आधा ससुराल है और आधा मायका है जहाँ अभी मेरे साथ रहती है, अभी पूरा ससुराल जाएगी। तो अभी पहले लखनऊ का पूरा ट्रैफिक निकालते हैं, क्योंकि सीतापुर रोड पर कंस्ट्रक्शन बहुत है, तो मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से सीधे लेखराज होते हुए मैं निकलूँगा आपके इमामबाड़े के पीछे से हरदोई वाले रास्ते पर। तो वाला रास्ता स्किप कर लेंगे क्योंकि उस साइड पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है फ्लाईओवर का। तो पहले पूरा ये हाईवे लखनऊ क्रॉस कर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं ऑन द हाईवे। फिलहाल देखो हम लखनऊ की आन बान शान रूमी दरवाजा के पास पहुंच गया। पिछले एक साल से इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और आप ये जो गेट देख रहे हैं ना, ये है बड़ा इमामबाड़े का। तो यहाँ पर पूरे दिन भर टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, पुराना लखनऊ घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो मतलब हमारे घर से लेके पुराने लखनऊ की दूरी 35 किलोमीटर है पूरी। तो देखो हमने 35 किलोमीटर दूरी तय कर ली है, तो मोस्टली हमने जो है 70% ट्रैफिक हमने क्रॉस कर लिया है, हमको बस 30% ट्रैफिक और क्रॉस करना है। और यहाँ से करीब हरदोई है अभी 100 किलोमीटर और लखनऊ से, तो ये क्रॉस करने में हमको लगेंगे 2-3 घंटे। तो सामने है रूमी दरवाज़ा, आप देख सकते हो, आप मौसम देख रहे हैं सामने का कितना ज़बरदस्त हो रहा है। तो अभी लेकिन बजे हैं कभी 4:30, लेकिन ऐसा हो रहा है कि मौसम लग रहा है कि शाम के 7 बज गए। तो निहारी का कितने आम खरीदे तुमने? 10, 12, 16। तो टोटल आम जो खरीदे हैं वो खरीदे हैं 18 और 24 किलो। 2400 आम खरीदे, तो पीछे वैरायटी पड़ी हुई है पेटी में अलग अलग। तो मतलब मलियाबाद इलाका ऐसा है कि यहाँ दशहरी, चौसा, लंगड़ा और वाला कौन सा था जो रंग बिरंगा टाइप का था, मतलब लाल लाल टाइप का दिखा था, कुछ गुलाब फांस बोला, गुलाब फांस नाम बोल रहे थे वो, तो हमने खैर खरीदा नहीं, लेकिन खरीदा हम लोगों ने है आपका मलियाबादी दशहरी। एक्चुअली क्या होता है कि घर जाएंगे तो फिर लोग बोलेंगे कि आम कैसा मतलब लेके आए हो, तो वो घर वालों को देने के लिए हो जाएगा चौसा, और रास्ते में कुछ लोग को देना है, तो ऐसे बढ़ते हो जाएंगे आप और गाड़ी रहे खाली। देख सकते हैं मौसम मतलब बड़ा खतरनाक हो गया, धीरे धीरे बारिश के छींटे पड़ रहे हैं, पूरे रास्ते पर बारिश होगी। हम लोग एक्चुअली निकले थे लखनऊ से, हमने सोचा कि टाइम पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये आम आम खेते देखा, देखो आप पूरी पूरे रास्ते पर आपको आम मिलेंगे, थोड़ा यहाँ और मार्केट में के आम में थोड़ा फर्क हो जाता है, क्योंकि ये सीधे एकदम से बागान से टूटता है, तो इसका जो क्वालिटी होता है और जो स्वाद होता है, हमने आम बहुत सारे चखे भी। एक्चुअली क्या हुआ कि थोड़ा टाइम की कमी भी थी, और थोड़ा आम खरीदे में वहाँ भीड़ भाड़ बहुत होती थी, क्योंकि हर कोई आदमी आम खरीदना चाह रहा है आजकल, तो उस वजह से मैं आपको आम की वैरायटी नहीं दिखा पाया और रेट भी नहीं बता पाया। और रेट क्या है आप समझो 30 रुपये किलो आपको हर आम मिल जाएगा करीब 30 रुपये किलो के हिसाब से, क्योंकि इस साइड में थोड़ा सस्ता मिलता है, और शहर में जाओगे तो आपको वही 50-60 रुपये किलो मिलता है, और
अगर थोड़ा लो क्वालिटी का देखो तो शहर में सस्ते में 30 में भी मिल जाएगा। तो देखिए पूरे पूरे आम के पूरी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पे। बारिश के छींटे ही पड़ रहे हैं साथ साथ में। आप देख लो हम लोग गुजर रहे हैं एक इंडस्ट्रियल एरिया से। ये इंडस्ट्रियल एरिया हरदोई और संडीला के पीछे पड़ता है, जहाँ पर मतलब बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं। बहुत बड़े बड़े प्लांट मतलब ये सारे के सारे बने हैं योगी जी की सरकार के आने के बाद। पहले यहाँ पर शायद इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लांट है वरुण बेवरेज का जो पेप्सी में आता है, एक है आपके बर्जर पेंट्स का, जो मतलब मोस्टली दो बड़े बड़े प्लांट हैं वो वाले प्लांट हैं। बाकी छोटे मोटे बहुत सारे प्लांट हैं अभी तो ऐसे क्या छोटे हैं, ये भी काफ़ी बड़े हो। मेरे को जो नाम दिखाई दिया तो नाम देखने की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, वरना प्लांट तो ये भी बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए लगातार इंडस्ट्री धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। देखिए औद्योगिक क्षेत्र संडीला जनपद हरदोई में हम अभी घूम रहे हैं। थोड़ा बहुत मैंने कहा इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नई जॉब की ज़रूरत है तो आप यहाँ भी नई जॉब ढूंढने के लिए आ सकते हैं। फिलहाल मतलब क्या हुआ कि शाहजहाँपुर क्रॉस किया, पिछले बार वाली घटना होते होते बची हुई है निहारी का। कहते कितने जाने से क्या, अभी ये तो अंधेरा हो गया है मोस्टली। हम लोग आज गाड़ी में बहुत हल्के भी चला रहा हूँ। पिछले बार से आया था गाय लड़ गई थी ना बिल्कुल एकदम से, आज भी सेम वही कंडीशन आ रही थी, लेकिन सर गाड़ी की थोड़ी स्पीड इस बार थोड़ी कम थी तो गाय भी मतलब बहुत आराम से मतलब उतरी थी। बिल्कुल वाली गाय तो बहुत तेज़ दौड़ते हुए आई थी, हाँ छोटी भी थी ऐसा गाय, लेकिन और बिल्कुल काली गाय थी और अंधेरे में दिखाई नहीं। तो मैंने यूँ करके यूँ कट मारा और मतलब गाय भी बच गया मतलब। ऐसा होता है कभी कभी कि समझ में नहीं आता, लेकिन हमारा दिमाग ऐसे काम करता है ना, इतनी जल्दी जल्दी काम करता है। तो फिलहाल हम लोग शाहजहाँपुर और बरेली जो हरदोई और शाहजहाँपुर वाला मोड़ है वहाँ से बरेली की ओर लेफ्ट टर्न करके एक ढाबा है स्वागत ढाबा, यहाँ पर आके बैठे हुए अभी करीब 8 बजे के बाद बैठोगे तो हम लोग को चाय भी जाता। मैंने कहा चाय के साथ साथ डिनर भी क्यों ना कर ले जाए, क्योंकि किसी को रात में जाके परेशान करना सबसे गलत बात है। और अभी हमारी मंजिल है काफ़ी दूर, तो भी गूगल मैप से हल्द्वानी के बता रहा है करीब 12 बजे तक तुम पहुँचोगे ऐसा बोलता है। मतलब 11:22 उसने बोला था, तो आधे घंटे में यहाँ पर रेस्ट करेंगे खाना वगैरह खाएंगे तो समझ लो कि 12 हमको बच जाएंगे हल्द्वानी पहुँच सकते। तो शायद यहाँ से आगे का सफ़र नहीं हो पाएगा और हल्द्वानी ही रुकना पड़ेगा। क्या पता हम रुद्रपुर भी रुक गया, अभी कोई गारंटी नहीं है। देखिए जैसा होगा टाइम तो वैसा करेंगे काम, लेकिन कल को मज़ा आने वाला है क्योंकि अपने पहाड़ दिखाई देंगे। तो कल के ब्लॉग आज वाले ब्लॉग में कुछ खास नहीं हुआ नहीं, लेकिन कल वाले में कब। तो चलते चलते बच गए हैं करीब अभी रात के 10:46 हो गए और अभी हम फिलहाल पहुँचे हैं बहेड़ी, यानी बरेली हमने क्रॉस कर लिया है, भोजीपुरा क्रॉस हो गया है, बहेड़ी आएगा और वहाँ से करीब हल्द्वानी पहुँच करीब रहेगा 45 या 60 किलोमीटर के करीब रहेगा इच्छा साइड से। तो अभी मतलब हमको फिर भी क्योंकि 11 बज चुका है और 12 मतलब 12:15 तो हमको रानीखेत बोल रहा हूँ, जबकि रानीखेत बहुत टारगेट था। पहुँच रहे अभी हम हल्द्वानी, बीच में 2-3 जगह और रास्ते पर ट्रैफिक भी जाम था। अभी आप देख रहे हैं हल्के हल्के बारिश के छींटे ही पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में। बीच में तो हाईवे की पूरी वाट लगी पड़ी थी, पूरी वाट मतलब जो बरेली में जैसे हमने शाहजहाँपुर से कट लिया है और उसके बाद जब हमने डिनर किया निहारी का मैंने, उसके बाद पूरा मतलब ऐसा लग रहा कि खोद के कोई गया हुआ और कहीं पर वो नो एंट्री होती है ट्रक की तो वहाँ पर लग गया जाम दो जगहों पर। तो ऐसा है अभी सीन, सर निहारी का भी थक चुकी है, मोबाइल पकड़े पकड़े हम लोग गाने सुनते सुनते अपनी बातें करते करते पहुँच रहे हैं फिलहाल। अभी मतलब उत्तराखंड डे भूमि उत्तराखंड में कुछ हुआ हमारा। बोलो चाचा आए हैं और जोरहाट जा रहे बोलो और मैं उनको बाय कर रहा हूँ। बोलो 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 मोनू बोलो मेरी मेरी मत बनाना, नहीं आपके लिए मेरी मत बनाना, मेरी तो अच्छा शर्मा आ जा आ जा आ जा आ जा फोटो खिंचा अच्छे से अच्छे।
पेड़ के आगे से। तो हम रुके थे सर के साथ, सर है फेमस सर त्रिपाठी जी, केमिस्ट्री के मतलब टीचर है यहाँ पे हल्द्वानी में। तो कल रात हम पहुँचे थे रात में 1 बजे, फिर उसका ब्लॉग शूट नहीं हो पाया, तो हल्द्वानी हम लोग पहुँच गए थे रात के 1 बजे। तो आज देखते हैं, आज बहुत मौसम है, बहुत बारिश हो वाला, और यहाँ ब्लॉग यहीं भी क्लोज करते हैं। अगर आज निकलने का मन करेगा तो यहाँ से हल्द्वानी से निकलेंगे पहाड़ की ओर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और ये छोटू देखो शर्मा आ रहा है, बाय बोलो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बोलो ऐसे करो लाइक, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलो। वो तो बोल नहीं पाएगा।